इस समय आप देख सकते हो जो मुंबा देवी के स्थानीय विधायक रह चुके हैं इस समय पर्चा भरने जा रहे हैं। अमीन पटेल जी, आइए मैं अमीन पटेल जी से बात करता हूं। अमीन पटेल जी, ये बताइए सर, आज आप पर्चा भरने जा रहे हैं, क्या आपके मन में आशाएं हैं? आप देख रहे हो जो जिस तरह का जोश है, जिस तरह का उल्लास है मेरे पूरे साथियों में, यहाँ के वोटरों में, मुझको पूरा यकीन है कि तीसरी बार भी इस इलाके की आवाम, जो मैंने काम किया हूँ उसके मद्देनज़र मुझको चुन के असेंबली में भेजेगी। जी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में कई सारे लोग खड़े हो रहे हैं आपके विरोध में, बशीर मूसा पटेल MIM से खड़े हो रहे हैं, और जो गीता गौली की जो पार्टी है, अरुण गौली की जो पार्टी है, अखिल भारतीय सेना, उससे लोग खड़े हो रहे हैं। सर, इन लोगों को किस तरीके की चुनौती के रूप में आप देख रहे हो? चुनाव है, लोग चुनाव लड़ते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और मुझको पूरा भरोसा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझको पूरा भरोसा है मेरे वोटर्स के ऊपर, और जो हमारे मतदाता है वो फिर से एक बार मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। जी अमीन पटेल जी, ये बताइए आप इस समय चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या होगा? मेरा लोगों का काम करना, लोगों के काम आना, यही मेरा चुनावी मुद्दा है। जी सर, आप पूरे चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हालात है उसके अंदर सेकुलर ताकतों को बड़ी मजबूती से आगे आना चाहिए, और जो लोग सेकुलर ताकतों को नुकसान पहुंचते हैं उनको रुकाना है। उसको पूरा यकीन है कि इस इलेक्शन में मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबा देवी को एक नई दिशा मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे अमीन पटेल जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरा आज सिर्फ एक ही एक मुद्दा है, वो है विकास, और मैं विकास के काम को जानता हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि कई बातिल ताकतें जो हैं यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं मेरे विरोध में, मगर मैं जानता हूँ मेरी जनता मुझे ही चुनेगी। कैमरामैन सरफराज के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़।